नाजरीन, इनर न्यूज एंड व्यूज में खुश आमदी। नाजरीन, मैं बहुत अरसे से ये कहता आ रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक ही हथियार से तबाह करने की साजिश हो रही है, और वो हथियार है इंतहा पसंदी या एक्सट्रीमिज्म। और जैसा मैं पहले भी अपने प्रोग्राम्स में कहता आया हूँ कि अगर आप देखें तो तकसीम हिंद के फौरन बाद कायद आजम और महात्मा गांधी को रास्ते से हटाकर इंतहा पसंदी की बुनियाद डाल दी गई थी, और अब हम देख रहे हैं कि ये इंतहा पसंदी का बीज जो इस खित्ते में बोया गया था वो अब एक तनावर दरख्त बन चुका है, और हम देखते हैं कि दोनों मुल्कों में ऐसे वाकयात मामूल बनते जा रहे हैं जिसमें देखने में ये आता है कि लोगों में एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा ही ख़त्म होता जा रहा है। मजहबी इंतहा पसंदी को बहुत प्लानिंग के साथ इंडिया पाकिस्तान में फ़रोग दिया गया है, और सबसे ज़्यादा फिक्रमंदी की जो बात है वो ये कि अब लोग ऐसे रवैयों के ऊपर बात करने से भी डरने लगे हैं, क्योंकि इंतहा पसंदी का अफरीत मुआशरे को इतनी बुरी तरह काबू कर चुका है कि हर एक को अपनी जान बचाने की फिक्र है। इंडिया पाकिस्तान में अगर आम लोगों को देखें तो एक वक्त था कि दोनों तरफ के लोगों की अक्सरियत अमन की बात करती दिखाई देती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका। अब बहुत कम लोग ऐसे नज़र आते हैं जो अब भी सामने आकर अमन की बात करते हैं, वगरना या तो लोग खुलकर अपने ख्यालात का इजहार करने से गुरेज करते हैं, क्योंकि ऐसी सूरत में पाकिस्तान में गद्दार होने का सर्टिफिकेट और इंडिया में इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान जाने का मशवरा दिया जाता है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। हम देखते हैं कि अब आप अगर किसी मकतब फिक्र से इख्तलाफ करें तो आपको जान से हाथ धोने पड़ सकते हैं। इसकी मिसाल आज सियालकोट में हुए होलनाक अलमनाक हादसे से दी जा सकती है, और जब किसी मुल्क में कानून की अमलदारी का हाल हमारे मुल्क पाकिस्तान जैसा हो तो फिर मारने वाले डिटाइस से मीडिया के कैमरों के सामने आकर ना सिर्फ इस जुर्म का एतराफ़ करते दिखाई देते हैं, बल्कि साथ ही ये वार्निंग भी देते हैं कि आइंदा कोई इस किस्म की हरकत का मुर्तकिब होगा तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। खुदा की पनाह कि क्या पैगाम दिया जा रहा है दुनिया को। और अब जबकि हुकूमत का दावा है कि पुलिस ने इस वाक़े में मुलव्वस अफराद की अक्सरियत को गिरफ्तार कर लिया है, तो कम से कम इन दो अफराद को तो 24 घंटों के अंदर निशाने इबरत बनाया जा सकता है जो खुल्लम खुल्ला अपने जुर्म का इतराफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर भारत में देखें तो इसी तरह का रवैया आपको भारत में हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS या हुक्मरान जमात BJP के अफराद का भी नजर आता है, जहाँ आए रोज मुसलमानों और मसीही लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनसे अपनी मर्जी के बयानात दिलवाए जाते हैं, और अगर कोई थोड़ी सी भी मज़ाहमत
करे तो उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। और बात सिर्फ मजहबी इंतहा पसंदी की नहीं, अब तो हर कोई एक दूसरे की जान के दर पे है और उसकी बड़ी वजह लोगों की माशी बदहाली नज़र आती है। महंगाई ऐसी कि हर कोई इससे बुरी तरह मुतासर होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ बेरोजगारी की बढ़ती हुई शरह भी लोगों की कुव्वत बर्दाश्त को मुतासर और गुर्बत में इजाफा कर रही है। और इस तरह के माशरों में खुदगर्जी और बेहिसी बढ़ती है और जराइम भी, जो कि हम इन मुल्कों के अंदर देख रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें तो कानून नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में नहीं रह गई। रियासत मजहबी इंतहा पसंद तंजीमों के हाथों जरगनाल बनी दिखाई देती है। पहले ही मुल्क में हर मसलक की कई तंजीमें मौजूद थीं, अब इसमें एक मजीद इजाफा तहरीक लब्बैक की शक्ल में नज़र आता है। पिछले दिनों जिस तरह इस तंजीम ने पूरे मुल्क निज़ाम को मफलूज किए रखा, और उस पर बदकिस्मती है कि इस तंजीम ने जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की उसके नतीजे में कई बेगुनाह पुलिस अहलकार जान बहक हुए। इस पर हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई का ना होना इस तरह की पुरतशद्दुद सरगर्मियों में मजीद इजाफे का बाइस बना है। सियालकोट में हुए इस अनदोहनाक हादसे की एक बड़ी वजह कानून की अमलदारी का ना होना और हकूमती मशीनरी का ऐसे इंतहा पसंद अनासिर के हाथों ब्लैकमेल होना या ऐसी तंजीमों की सरगर्मियों पर आंख बंद किए रहना है। अगर ऐसे मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कोई हकीकी कानूनी कार्रवाई की जाती तो शायद इंसानियत का इस तरह कत्लेआम ना होता जैसा आज पूरी दुनिया ने सियालकोट में होते देखा। अब आप कहते रहे कि इसके पीछे बैरूनी साजिश है, तो ये अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है, और ये धोखा हम अपने आप को मुसलसल दिए चले आ रहे हैं। वो ज़रूर है कि इसमें किसी हद तक हकीकत भी है, क्योंकि दुश्मन तो इस तरह की फॉल्ट लाइंस को उभारता है और उससे अपने मकासद हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन मुल्क के इदारे और थिंक टैंक ये किस मर्ज के दवा हैं? इन्हें ऐसे वाक़यात का बर वक्त तदारक करने के लिए हिकमत अमली बनाते रहना चाहिए, लेकिन शायद हमने इस बढ़ रही इंतहा पसंदी को कभी अपने लिए ख़तरा समझा ही नहीं, इसलिए इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता चला गया है। और जैसा मैंने कहा, इसमें बैरूनी हाथ तो ज़रूर है, लेकिन बदकिस्मती से बैरूनी हाथ के अलावा बाकी तमाम आज़ा हमारे अपने लोगों ही के इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया असलाह तैयार करने वाले मुल्कों के लिए भी बहुत फेवरेट हैं। अगर इन मुल्कों में अमन आता है तो लाजमी तौर पर उन मुल्कों के माली मफादात को ज़िक्र पहुँचती है, तो वो क्यों चाहेंगे कि यहाँ अमन अमान की बांसुरी बजे? इसीलिए इन मुल्कों में हकूमतें भी ऐसी लाई जाती हैं जो अपने मुल्क के लोगों के मफादात का तहफ्फुज़ करने की बजाय बैरूनी ताकतों के इशारों पर काम करती हैं। हिंदुस्तान जो एक वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर रियासत के तौर पर माना जाता था, इस वक्त शायद दुनिया की सबसे बड़ी फासिस्ट स्टेट के तौर पर देखा जाने लगा है, जहां मौजूद अकलियतें खतरनाक हद तक अदम तहफ़ का शिकार नजर आती हैं। गुज़श्ता रोज़ अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि पिछले 9 माह के दौरान हिंदुस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी की इबादत गाहों पर 300 से ज्यादा हमले किए गए हैं। मुसलमानों पर हो रहे तशद्दुद के वाकयात इसके अलावा हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों को खुली जगहों पर नमाज जुमा की अदायगी से रोकने के वाकयात भी सामने आ रहे हैं। एक वीडियो में इंतहा पसंद हिंदुओं को भी मीडिया पर मुसलमानों को नमाज की अदायगी पर खुलेआम धमकियां देते देखा जा सकता है। नमाज है खुले में, वो मजबूरी है हमारी और हमारी ज़रूरत है। शौक तो है नहीं कि ये तो है नहीं कि हमारे पास मस्जिदें मौजूद हैं, जगह मौजूद हैं और लोग तफरी करने के लिए खुले में नमाज़ पढ़ रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि हमारे पास मस्जिद नहीं है, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए हम लोग खुले में नमाज़ पढ़ने के लिए मजबूर हैं। बस यही है मेन कि अब हम लोग खुले में बिल्कुल नमाज नहीं हो रहे देंगे।
बाकी क्या है कि अगर वो मतलब खुले में नमाज की अगर मान लो यहाँ पे कोशिश करते तो हम उसका पूरा पूरा विरोध करेंगे। हमारा पूरा हिंदू हिंदू संगठन है, पूरा पूरा साथ है हमारे, और हमें कहना किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और हमारा पूरा पूरा विरोध करेंगे, खुले में नमाज बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैं तो जो वहाँ के जिम्मेवार है मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई अगर इस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही तो ना पढ़े वहाँ पे, भाई हम दूसरी जगह चूज कर लेते हैं, वहाँ पढ़ लेंगे हम नमाज। एक्चुअली हमारे लैंडलॉर्ड हैं, दुकान के जो मालिक हैं अक्षय भाई साहब, तो उन्होंने वीडियो वगैरह देखी होगी, न्यूज़ वगैरह देखा होगा उन्होंने, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तौफीक ऐसी ऐसी बात है, झगड़े लड़ाई हो रहे हैं जो जुमे को लेकर के, तो मेरी जगह कुछ पड़ी है तो उसमें तुम नमाज पढ़ सकते हो। तो हमने अपने बड़ों से बात की थी, जो दोस्त आ रहे हैं हमारे जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, और ये ऐसे ही है जैसे आपने सियालकोट के लड़कों की वीडियो देखी। तभी मैं ये कहता आया हूँ और कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और भारत में मजहबी इंतहा पसंदी को एक प्लान के तहत फ़रोग दिया जाता रहा है और दिया जा रहा है। दोनों मुल्कों के अवाम बैरूनी साजिशों का शिकार होते जा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि दोनों मुल्क के अवाम अपनी हुकूमतों पर दबाव डालें कि वो अमन मुज़ाकरात के लिए मेज़ पर बैठें और जंग व जदल के मंसूबे बनाने की बजाय दोनों मुल्कों में पिस रहे करोड़ों गरीब अवाम को रिलीफ देने पर तवज्जो दें। और इसके साथ साथ तालीम का हुसूल हर शहरी का हक है, रियासत को इसकी भी पूरी जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि जहालत एक लानत है जो इन दोनों मुल्कों की जड़ों को खोखला कर रही है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब से मेरी यही गुजारिश होगी कि खुदारा आप पाकिस्तान को रियासत मदीना भी बना लीजिएगा, पहले से इंसानों की बस्ती तो बना लीजिए। दोनों मुल्क मोहलिक असले के ढेर पर बैठे हैं और मुझे डर है कि दोनों मुल्कों में बढ़ रही मजहबी इंतहा पसंदी इन दोनों मुल्कों को कहीं राख के ढेर में ना तब्दील कर दे। खुदा इस खत्ते के हुक्मरानों को अक्ल दानिश अता फरमाए और अमन सुकून और खुशहाली यहाँ के लोगों का मुकद्दर हो। आमीन सुम आमीन। आपके देखने का बहुत शुक्रिया।